यार स्टोरी लाइन कुछ मुझे लगी नहीं, ढंग की नहीं लगी। सो बेसिकली मुझे पसंद नहीं है ये मूवी जो है। क्या कुछ खराबी आपको इस मूवी में, क्या कुछ कमी लगी? मैम स्क्रीन शॉट जो इसका स्क्रीन प्ले था मूवी का, मुझे स्क्रीन प्ले पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। बिल्डअप होती है ना स्टोरी, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्त्री के कंपैरिजन में रखने की कोशिश की गई थी लेकिन अल्टीमेटली रख नहीं पाए, आई थिंक सो। बाकी एक्टिंग अच्छी है, राजकुमार की एक्टिंग इज़ गुड, वरुण की कॉमेडी इज़ गुड, लेकिन सिर्फ कॉमेडी के दम पे दे कैन नॉट पुश द स्टोरी। यू नो एक स्टोरी बिल्डअप होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, नो कंटेंट, नॉट एट ऑल। जाह्नवी का ऐसा लग रहा था शी वॉज प्रिटेंडिंग एट ईच एंड एवरी टाइम, सो मज़ा नहीं आया एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे नहीं जमी। सॉन्ग बस वही है जो पहले लेट्स द म्यूजिक प्ले, बाकी और कोई सॉन्ग ऐसा नहीं है जो याद रखा जाए बाहर निकलने के बाद, मुझे याद नहीं है। बाकियों का पता नहीं, सेकंड हाफ में लिटरली मैंने सो के गुजारे, आप मेरी आंखें देख चुके, मैंने ही नहीं सबने। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 1 4 वरुण। टू मच, आई एम गेटिंग लेट, वी लव द मूवी, इट इज टू गुड। राजकुमार राव, वरुण एंड जाह्नवी कपूर एंड बाकी एक्चुअली सारे एक्टर्स, ठीक है, थैंक यू। इट इज़ नॉट सीक्वल, नहीं बोल सकते, टोटली डिफरेंट है। हाँ, 10/10। इट वॉज वेरी वर्स्ट स्टोरी एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ एंड आई रियली डोंट वॉन्ट टू सी दिस मूवी एवर। सीरियसली इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटमेंट, डिडंट एक्सपेक्ट राजकुमार राव चूजिंग दिस टाइप ऑफ मूवी एंड इवन आई एम फ्रॉम एक्टिंग फील्ड, सो बेसिकली आई हैव लाइक यू नो एक्टर्स वी हैव टू डू आर होमवर्क सीइंग मूवीज एंड ऑल, वी हैव टू लर्न वेरी मच यू नो सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट मूवी। देर वॉज नॉट एनी थिंग इन दैट टू लर्न, यू नो आई कैनॉट इवन लर्न डिरेक्शन, आई कैनॉट इवन लर्न द एक्टिंग थिंग, एवरी थिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल हॉरर थिंग। आई डोंट नो वो जो भी जिसने भी लिखा होगा क्या सोच के लिखा होगा, या जिसने सोचा ये स्क्रिप्ट करे क्या सोच के किया होगा। इट वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटमेंट, आई स्लेप्ट हाफ ऑफ द टाइम, या आई डू, आई लिटरली आई स्लेप्ट। बट दिस थिंग इज सी, आफ्टर सीइंग एनी टाइप ऑफ मूवी नो यू हैव दैट यू नो यू हैव दैट जोश कि अरे यार ये बहुत अच्छा किया, या आई हैव टू डू समथिंग गुड। बट सीइंग दिस मूवी ऐसा लगता है कि यार जिंदगी भर काम नहीं करेंगे, बट ठीक है, बट नॉट दिस टाइप ऑफ मूवी, आई रियली फेल लाइक दैट। यू नो स्त्री के बाद काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आती थी, स्त्री इज ऑल्सो नॉट दैट गुड, बट या इट इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड मैसेज यू नो अबाउट दैट लाइट बिल एंड ऑल, बिकॉज ऐसे सच्ची में होता है सर लाइट बिल एंड ऑल, वो बहुत बहुत अच्छा मैसेज था। बट दिस इज़ लाइक दिस डजंट हैव एनी मैसेज नॉर एनी एक्टिंग स्किल्स नॉर लाइक यू नो सॉन्ग्स एंड ऑल, इट इज़ नॉट इवन दैट गुड। सो आई लिटरली डिडंट लाइक हर अप टू डेट, वॉट एवर मूवी शी हैज़ डिड, इट इज़ एट लीस्ट ओके अप टू मार्क, नॉट इवन अप टू मार्क, बट इट इज़ ओके। सी वन सॉन्ग इज इट इज़ अ रिमेक, पुराने गाने का ही उन्होंने रिमेक करा, दैट इज़ ओके, दैट रिमेक इज समथिंग लाइक यू नो वी रिकॉल ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स, दैट इज़ ओके। एंड सेकेंड वन ऑल्सो इट इज़ लाइक, सी इवन यू कैनॉट यूज इन पार्टी, इवन इफ यू वॉन्ट यू नो सॉन्ग्स आर समथिंग लाइक इफ यू लिसन एंड देन यू आर लाइक यू नो यू स्टैंड अप, यू हैव दैट पावर समथिंग लाइक दैट, वॉट इज दैट वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, बट या यू हैव दैट एनकरेजमेंट कि अरे यार वी आर लिसनिंग सॉन्ग्स, बट दैट सॉन्ग इज नथिंग, आई डिडंट लाइक इट पर्सनली, माई ओपिनियन विद दैट सॉन्ग इज नॉट दैट वेरी गुड। फर्स्ट वाला सॉन्ग विच इज दैट रिमिक, दैट तो वी हर्ड इट लॉन्ग बैक, 0-0 0.0 if there is something beyond 0-0. So yeah, the movie is really good. Really good? Yeah. Storyline अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, मूवी मतलब जो दिखाना चाहते थे वो दिखाया, बट हाँ कहीं कहीं पर थोड़ा सा फॉल्टर कर जाता है, कुड हैव बीन मच बेटर, बट या इट्स गुड, इट्स अ गुड वन टाइम वॉच। नहीं यार, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आई रियली डिड नॉट लाइक जाह्नवी फर्स्ट धड़क में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुंजन सक्सेना एंड नाउ दिस, शी इज़ प्रूविंग हर मेटल, आई फील यू नो शी वॉज गुड इन वट एवर रोल शी वॉज गिवन, शी डिड नॉट हैव मच ऑफ अ स्कोप द वे श्रद्धा कपूर हैड, सो या दैट्स अ डिफरेंस। आप मेरे ख्याल से आप मूवी देखेंगे खुद तो आप समझ जाएंगे।
यार बोथ आर ब्रिलियंट, दोनों की केमिस्ट्री, कॉमेडी ब्रिलियंट, दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है, इट्स वंडरफुल। दोनों ही नहीं फ्रैंकली, एक ना मूवी के बीच में एक गाना आएगा, आई डोंट नो हुम इट्स संग बाय, आई थिंक इट्स मीका सिंह, मैं भी अब घर जाके गूगल करूँगा और गाना सुनूंगा, बट देयर इज़ वन सॉन्ग विच प्लेज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ व्हेन दे आर इन द सर्च फॉर द बाबा हु कैन यू नो गेट द चुड़ैल आउट ऑफ जाह्नवी, तो उसमें एक गाना बजता है वो अच्छा है, बट आई कान टेल यू द नेम, मुझे खुद को नहीं पता। 3.5 थैंक यू। ओके, कैसी लगी फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी? बहुत अच्छी लगी थी मेरे को फर्स्ट टाइम, हर क्लाइमैक्स लेके फुल एक नंबर थी, लास्ट तक मूवी इतनी हॉरर भी नहीं है बताना चाहे तो, बहुत अच्छी। ओके, स्त्री से कंपेयर किया जा रहा था, तो आपको लगा कि ये स्त्री से कुछ पूरी जस्टिस दे पाई है जानवी? बहुत अच्छा है, स्त्री से बहुत बेटर है मूवी। ओके, जानवी कपूर कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, उनके गाने जो है पंगट, और ये कौन सा फेवरेट सॉन्ग था आपका? पंगट। और राजकुमार राव और वरुण की बात की जाए तो उनकी कॉमेडी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, इन लोग की तो बेस्ट थी कॉमेडी उसमें, फुल मूवी में, फुल मूवी में। ओके, आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 5 out of 5। एक नंबर लगी, जितना जाह्नवी का रोल इतना ब्रिलियंट निभाया, एक भूतनी का रोल और एक इसका रोल, एकदम बेस्ट, और राजकुमार राव की कॉमेडी एक नंबर, और जो राजकुमार के साथ था वो मैं नाम भूल गया सर, हाँ वरुण, हेड्स ऑफ दैट गाय, और भूतनी के साथ जो रोमांस करता है बेस्ट, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा प्लीज़ जाके देखिए ये पिक्चर, इज़ द बेस्ट, 5 out of 5 स्टार्स तो इसको मिलने ही वाले, 4 star मिलने वाले, पर स्त्री से तो ज़्यादा ही अच्छा फिल्म है ये, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवी इज फैबुलस, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट विद फ्रेंड्स, ये मस्ती वाली पूरी मूवी है, इसमें जैसा हॉरर दिया है बट द टर्न ऑफ कॉमेडी इन द हॉरर इज अल्ट्रा फैबुलस, अल्ट्रा फैबुलस, सुपर, पूरा पैसा वसूल है, एनीबॉडी कैन वॉच इट, कोई भी एज का आप देख लो, कोई भी फैमिली, पूरी मूवी है, फैमिली मूवी है इन शॉर्ट, एंड इट इज़ अ वेरी फैबुलस फन मूवी टू गो विथ एनीबॉडी बट इन अ ग्रुप, डेफिनेटली टू वॉच इट। ओके, श्रद्धा एज अ स्त्री और जाह्नवी एज अ रूही, कौन आपको ज्यादा पसंद है? जाह्नवी, बिकॉज़ दिस में या देयर इज अ ट्विस्ट विद द कैरेक्टर, सो वी लाइक द ट्विस्ट इन दिस मूवी राइट, so it is this one Jahnvi we prefer. Songs काफी hit हो रहे हैं, बहुत hit हो रहे हैं, the songs are also good, yes, the Pangat song, the last one, it is actually very good, it is, trust me, it is good, we like the beats.